नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। कश्मीर में आतंकियों की तो वाट लगी ही हुई है, आतंकियों के सरपरस्त भी काफी परेशान हैं। आम लोगों के लिए जाने वाले पैसों से अपनी तिजोरियां भरने वाले ये नेता 370 के खात्मे के बाद बेरोजगार हो गए हैं और इनकी सियासी दुकानों पर ताला लग चुका है। घाटी में अमन है, अब स्कूलों में आग नहीं लगती, बच्चे पढ़ने जाते हैं, जुमे को पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन ये सब यहाँ के सियासतदानों और पाकिस्तान परस्त गुपकार गैंग को पसंद नहीं है। वो फिर से घाटी को जलता और आतंक से त्रस्त ही देखना चाहते हैं, तभी वो 370 की वापसी का राग अलाप रहे। लेकिन कश्मीर के लोग काफी खुश है, इसकी वानगी देखने को मिल रही है जम्मू में हो रहे स्थानीय चुनाव में। वैसे महबूबा मुफ्ती ने 370 के विरोध में तिरंगा न उठाने का ऐलान किया था और कहा था कि घाटी में कोई इसे उठाएगा नहीं। मतलब हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठाएंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकू ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ नहीं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने महबूबा और अब्दुल्ला के गढ़ में जाकर न सिर्फ तिरंगा लहराया बल्कि लोगों ने भी उनके साथ तिरंगे को लहराकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आज बिजबिहारा में महबूबा मुफ्ती के यहाँ खड़े होकर भारत का ये तिरंगा आप ये तस्वीरें बिजबेहरा की है जहां सैकड़ों की भीड़ ने तिरंगे के सम्मान में नारे लगाए और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चुनौती दी। ये इलाका आतंक के लिए कुख्यात दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आता है जो महबूबा मुफ्ती का गढ़ और होम टाउन है। इसी बीच बहरा में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए शहनवाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती के बिजबेहरा में खड़े होकर न सिर्फ तिरंगा फहराया बल्कि स्थानीय लोगों ने भी उनका इस पे भरपूर साथ दिया। वीडियो में शहनवाज हुसैन को आप दोनों हाथों से तिरंगा लहराते हुए देख सकते हैं। वहीं भीड़ में मौजूद लोग भारत और तिरंगे के सम्मान में नारेबाजी करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन की इसी रैली से पहले आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड से हमला कर लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन आतंकियों की नापाक चाल लोगों के हौसले के आगे पस्त हो गई और स्थानीय लोगों ने आतंकियों को संदेश दे दिया कि अब वे बुलेट नहीं बैलेट पर भरोसा रखते हैं और वे आतंक के रास्ते नहीं अमन के रास्ते अपना विकास चाहते हैं। आपको बता दें कि ये इलाका महबूबा मुफ्ती का होम टाउन है, इसलिए इस रैली के मायने बहुत ज्यादा है। इससे पहले आतंक से त्रस्त रहने वाले डोडा से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें घाटी के लोग जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आ रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यानी मादरे वतन जिंदाबाद हुआ बस। कोई आदमी कह दे, कोई मौलवी साहब कह रहे तुमने भारत माता की जय किया, खारिज हो गए, ऐसा नहीं है। अपने मुल्क की तारीफ करने में, अपने मुल्क से मोहब्बत करने में कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर घाटी से आ रहे ये वीडियो और इस नारे की गूंज पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है और इमरान खान के कानों में इसे सुनकर दर्द जरूर हो रहा होगा क्योंकि घाटी की फिजा बदल रही है और स्थानीय लोग आतंक के सरपरस्तों के साथ ही पाकिस्तान को भी संदेश दे रहे हैं कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा, इसे आतंक के रास्ते कभी भी नापाक पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता है और न ही यहाँ की आवाम को अब वो बरगला सकता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।